कसक आ गई, कसक अपने पापा के घर आ गई, है ना? अब कसक और पापा मिलकर खेली खेली करेंगे, है ना? पता है जब कसक नहीं थी तो पापा कितने अकेले हो गए थे, अब पापा कसक को कभी खुद से अलग नहीं होने देंगे। बलराज बेटा, मौसी आप? सच, आज कितनी दिनों बाद मैं तुझे इतना खुश देख रही हूं। मौसी वो बस कुछ कहने की जरूरत नहीं, भले ही तुम अपने मुंह से नहीं कहते थे, दिखाते नहीं थे कि तुम कसक के बिना कितने दुखी हो, कितने परेशान हो, लेकिन बेटा मैं सब समझती हूं। और वैसे भी औलाद तो इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत होती है, और ये दौलत कुदरत खुद इंसान को देती है। सही कह रही हूँ, कावेरी की वजह से कभी दिखाता नहीं था, पर मैं अंदर से बहुत दुखी था। पर अब कसक के आ जाने के बाद मैं बहुत खुश हूं, और उससे भी ज्यादा इसलिए खुश हूं कि अब कावेरी भी खुश रहेगी। हाँ बेटा, मैं भी तो यहां इसीलिए आई थी ना कि कावेरी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो मैं उसे कहीं बाहर ना जाने दूं। देखो ना, अब भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए बेटा अब मुझे लगता है कि अब मेरी यहां कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे जाना चाहिए। हाँ क्या हमें माँ बाप के साथ सिर्फ तभी तक रहना चाहिए जब तक हमें उनकी जरूरत रहती है? लेकिन बेटा मैं तेरी माँ नहीं, मौसी हूं। और बेटा ऐसे रिश्तों में थोड़ी दूरी रहे तो ठीक रहता है। किस्मत ने मेरी माँ को मुझसे बहुत जल्दी छीन लिया, फिर वसुंधरा देवी मिली, तो कभी मेरी माँ बनी नहीं। अगर मेरी जिंदगी में आज तक कोई माँ जैसी आई है तो वो आप है मौसी। पर मौसी का मतलब भी तो माँ सी होता है ना। सिर्फ आपकी वजह से तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया है कि माँ का सही मायना क्या होता है। पर आप भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं? नहीं बेटा, मैं तुझे छोड़कर नहीं जा रही हूं, मैं तो यही हूं, बस एक फोन करना और मैं फौरन चली आऊंगी। हाँ तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके वहां पहुंचने से पहले ही मैंने आपको फोन कर दिया, और आप गांव पहुंचे उससे पहले ही आप लौट गए। अपने दुख के दिनों में हमारा इतना साथ दिया है मुझसे, अब जब खुशी के दिन आए हैं तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तू ना बहुत जिद्दी है बेटा। वो तो मैं हूं, और आपने यहां से जाने की बात मुझसे की, अगर यही बात आपने कावेरी से की होती ना तो अब तक उसने इस घर को सर पर उठा लिया होगा। चलिए अब आप अंदर जाइए। सच तेरा और कावेरी का दिल बहुत बड़ा है, अरे आजकल तो बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखना चाहते, वहीं तुम दोनों अपनी मौसी को हमेशा अपने साथ रखना चाहते हो। भगवान तुम दोनों को हर खुशी दे। शिल्पा बेटा, क्या बात है बेटा? कुछ नहीं मां। देखो बेटा, जो होना था वो तो हो चुका, कावेरी ने जिद करके बल्लू और प्रीति की शादी तो करवा दी। मेरे पापा ठीक कह रहे हैं
चाहकर भी हम उसके उल्टे फेरे नहीं करवा सकते। अब कावेरी के बारे में सोचकर परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। नहीं माँ, जो जो आप सोच रही हैं वो बात नहीं है। तो क्या बात है बेटा? कुछ नहीं माँ, कुछ भी तो बात नहीं है। बेटा तुझे मेरी कसम, बता बात क्या है। देख बेटा, हम वैसे भी परेशान हैं, तो बात क्या है वो बता दे, शायद वक्त रहते हुए हम कुछ कर सके। माँ छोड़ो ना। शिल्पा, किसी की बात को छुपाने से बात खत्म नहीं होती, बल्कि बीमारी की तरह वक्त यूं बढ़ती जाती है। सकते हैं माँ, मुझे कभी कभी लगता है कि रोहित अभी तक कावेरी दीदी को बुला नहीं पाए। ये तो क्या कह रही है? हाँ माँ, जब जब प्रीति दीदी और बल्लू जीजू की शादी को लेकर मेरे और रोहित में बहस हुई तो रोहित ने तुरंत कह दिया कि वो भी कावेरी दीदी का हक था जो मैंने छीन लिया था। देख बेटा, इंसान गुस्से में कभी कभी वो बात कह देता है जो कहना नहीं चाहता। पर माँ, ये बात उसके मन में तो जरूर होगी ना, वरना इस तरह जुबान पर तो नहीं आती। शिल्पा, अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे बता, रोहित ने जो कुछ भी कहा वो ख्याल तेरे मन में कभी नहीं आया था? बेटा, इसीलिए कहती हूं कि इंसान को हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। परमा, जो गलती मुझसे सालों पहले हुई थी उसकी सजा अब क्यों मिल रही है मुझे? अच्छे और बुरे कर्म का फल एक दिन जरूर मिलता है। अब जो हो गया सो हो गया, आगे से ख्याल रखना बेटा कि किसी भी बात पर रोहित का दिल ना दुखे, क्योंकि जब इंसान दुखी होता है तो सबसे ज्यादा दुख उसे इंसान को पहुंचाता है उसके सबसे ज्यादा करीब। आप सही कह रही हैं माँ, शायद कमी मुझ में ही है जो रोहित अभी तक कावेरी दीदी को भूल नहीं पाए। दीदी बताइए तो सही, आप इतना सजाकर मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? वहीं जहाँ हर दुल्हन की मंजिल होती है। ये तुम्हारे सुहाग की सेज है, हर लड़की का सपना। दीदी प्रीति, प्रीति उठो, उठो प्रीति। इतना मान मत दीजिए दीदी, मैं इस लायक नहीं हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो इस घर में रहकर सिर्फ आपकी सेवा करना चाहती हूँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे। प्रीति तुम खुश रहोगी, यही मेरे लिए सबसे बड़ी सेवा होगी। लेकिन ये मैं आपका अधिकार कैसे छीन सकती हूँ? कभी भी नहीं। प्रीति, प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है। कृष्ण से राधा ने भी प्रेम किया था और मीरा ने भी, लेकिन फिर मीरा कभी राधा नहीं बन सकी। आज तक सब लोग राधे कृष्ण ही कहते हैं,
कभी किसी को मीरा कृष्ण कहते हुए सुना है आपने? नहीं ना, इसीलिए तो मीरा का प्यार सबसे बड़ा है। उसे ना ही कोई नाम मिला था और ना ही कोई अधिकार, लेकिन फिर भी वो कृष्ण से प्रेम करती रही। इसीलिए मीरा को प्रेम और समर्पण का सबसे बड़ा रूप मानते हैं। बस अब और बातें नहीं, चलो तुम बैठो, बल्लू अभी आती होंगी, फिर तुम्हारा जितना मन करे ना उनसे बात कर लेना। आओ बैठो बैठो, चलो बैठो, बस थोड़ी देर और इंतजार, मैं अभी उन्हें भेजती हूँ। ये सब क्या है कावेरी? क्या मम्मी जी? तुम अपने हाथों से अपनी सौतन की सेज सजा रही हो? प्रीति मेरी सौतन नहीं, मेरी बहन है। हाँ, वैसे एक वक्त वो भी था जब तुम्हारी बहन ही तुम्हारी सौतन बन गई थी। शायद इसलिए तुमने अपनी सौतन को बहन मान लिया है। मेरी बात का बुरा मत मानना बहू, पुरानी आदत है ना, इसलिए कभी कभी जबान फिसल जाती है। कोई बात नहीं मम्मी जी, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि अब प्रीति के खिलाफ आप अपने मन में कुछ भी नहीं रखें और प्रीति को भी अपने बहू के रूप में स्वीकार करें। अरे बहू, मेरी क्या बिसात कि मैं किसी को स्वीकार करूं? आज मैं जिस हाल में हूँ, जिस जगह पर हूँ, वहां पर लोग मुझे स्वीकार लें, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं, अभी भी सब आपका उतना ही मान सम्मान करते। मैं जानती हूँ बहू कि तुम मेरा दिल रखने के लिए सब कह रही हो, पर मुझे पता है सही मायने में मेरा सबसे ज्यादा ख्याल तुम ही रखती हो, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होने लगी और इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम बहुत गलत कर रही हो। अरे प्रीति ने तुम्हें नाम की बेटी दी है, देखा जाए तो उसने तुम्हारे साथ अपना पति, अपना कमरा, अपना अधिकार सब बांट लिया है। नहीं मम्मी, हम दोनों के बीच कोई बंटवारा नहीं हुआ, जो कुछ भी मेरा है अब वो उतना ही प्रीति का भी। वो इसीलिए कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जते, अति की हर जगह मनाई है। अरे अति दानवीर होने की वजह से ही बलि को पाताल लोक जाना पड़ा था, अति घमंड होने की वजह से रावण को मरना पड़ा था और अति सुंदरता की वजह से ही सीता को वो रावण उठा के ले गया था। इसलिए कह रही ज्यादा परेशान मत हो, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित। कावेरी, आज तुम्हें मेरी बातों पर हंसी आ रही है, पर तुम देख कल यही रोती हुई फिरोगी। वैसे भी प्रीति के आने के बाद से सबसे ज्यादा फायदा तो मेरा ही हुआ है, बस अब देखो मैं कैसे कांटे से कांटा निकालू। क्या ये आप क्या कह रही हैं? नहीं सुजाता आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ शिल्पा, किसे बात कर रही थी तुम? माँ, मैंने घर पर फोन लगाया था रोहित से बात करने के लिए, लेकिन सुजाता आंटी ने फोन उठाया और उन्होंने जो बात बताई है उससे तो मेरा सर ही चकरा गया। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? नहीं माँ, कुछ ठीक नहीं है, जिस बात का डर था वही हो गया। क्या हुआ? डैडी जी सुहासिनी आंटी को घर लेकर आ गए और अब वो हमारे घर पर ही रहेंगी। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो सुजाता की पुरानी आदत है, बात का बतंगर बनाकर सुना दी होगी तुझे। हाँ माँ,
वो बात का बतंगर तो बनाती हैं, लेकिन लेकिन एकदम सफेद झूठ तो नहीं बोलेंगी ना। और इस बात में कोई शक नहीं है कि डैडी जी सुहासिनी आंटी को घर पर लेकर आ गए। अगर ऐसा ही है तो वाकई चिंता की बात है। देखिए भाई साहब, तो सालों से अकेली जिंदगी जी रहे हैं और सुहासिनी को भी उसके पति ने छोड़ दिया। ऐसे में मुमकिन है दोनों के बीच में पुराने जज्बात जाग उठे। पद्मिनी, ये कैसे बेहूदी बातें कर रही? अपनी बेटी से भला कोई ऐसी बातें करता? पद्मिनी, ये कैसे बेहूदी बातें कर रही? अपनी बेटी से भला कोई ऐसी बातें करता? बेटी जब बड़ी हो जाती है तो वो सहेली बन जाती। अरे अपनी सहेली से भी कोई ऐसी बात नहीं करता। ये मत भूलो कि बीके हमारे संबंधी हैं। उनके बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें करना मतलब अपने ऊपर कीचड़ उछालने जैसा है। मैं आपकी बात मानती हूँ, पर हम लोग कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठ सकते हैं? अभी हम प्रीति और बल्लू की शादी के झटके से उभरे नहीं, पर बीके भाई साहब ने दूसरा कारनामा कर दिया। कोई मजबूरी नहीं होगी उसकी। आप मर्द है इसलिए दूसरे मर्द के गुनाह पर पर्दा डाल रहे हैं। मैं पर्दा नहीं डाल रहा हूँ, क्या होने वाला है वो बता रहा हूँ। मैं भी यही सोच के परेशान हो रही हूँ कि आगे और क्या क्या होने वाला है। मतलब? मतलब यही, अगर सुहासिनी के कहने से बीके भाई साहब ने सारी जायदाद प्रीति के नाम कर दी तो रोहित और शिल्पा के ये भी कमाल है। पहले इंसान दौलत से खुशियां खरीदने की कोशिश करता है और बाद में उसी दौलत की वजह से रिश्तों का कोई मोल नहीं रह जाता। ये सारी बातें किताबों में ही अच्छी लगती है, पर एक आराम की जिंदगी जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है। पहले रोहित इस दौलत का इकलौता वारिस था, फिर प्रीति आ गई, अब सुहासिनी के आने से पता नहीं और क्या क्या होने वाला है। जो होना है वो तो होकर रहेगा पति, इसीलिए अपनी लाख कोशिशों के बावजूद हम बल्लू और प्रीति की शादी को रोक नहीं पाए। इसलिए कल की चिंता करनी, अपने आज को मत बिगाड़ो। ऐसा आप सोच सकते हो, लेकिन मुझे अपनी बेटियों की फिक्र है। इस तरह से मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। शिल्पा, तू अभी इस वक्त ससुराल चली जा, तू वहां रहेगी, शायद चीजों को थोड़ी बहुत संभाल पाएगी। शिल्पा, एक बात ध्यान रखना बेटी, अपनी माँ की बातों को इतना गंभीरता से मत लेना। जो भी कदम उठाना सोच समझ कर उठाना, और रोहित से तो बिल्कुल भी झगड़ा मत करना। मैं तुम्हें फिर से आगाह करता हूं, इस वक्त रोहित को तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत पड़ेगी।